बुधवार के दिन का और तारीख है आज 15 मई और मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है शाम के 5 बजे से। फिलहाल अभी बजे हुए थे 5 और मेरे को धुलना था सिर, तो फिर मैंने सोचा सुबह से भी मैं मतलब सुबह सुबह नहीं धोती, फिर बाद में गर्मी हो गई थी और घर का काम इतना सारा हो जाता है, फिर वो टाइम सा नहीं लगा तो फिर गर्मी में मन नहीं किया। और सुबह सुबह ना घर की क्लीनिंग वगैरह और बच्चों का जैसे टिफिन वगैरह लगाना होता है तो मेरे को ना थोड़ा सा डर लगता है कहीं खाने में मतलब बाल वगैरह ना आ जाए, तो मैं ना सुबह सुबह स्किप ही करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो भाई शाम को मैं धो देती हूँ, तो इस वजह से फिर मैंने शाम को धुला। और अभी हमें जाना था माता रानी के दरबार पे भी जाना था, तो मम्मी बोली भी माता रानी पे चलना है, तो इस वजह से फिर मैंने बच्चों को भी साथ में यहाँ पे नहला लिया था और दोनों को फटाफट से यहाँ पे रेडी शेडी कर दिया है। और मायना रानी को ना थोड़े से जबरदस्ती कपड़े इसको पहनाने पड़ते हैं, एक बार तो ये जरूर से जरूर रोती है तो। और यहाँ पे मैं इसकी थोड़ा सा काजल लगा रही थी, जबरदस्ती ही लगवाती हूँ, आराम से प्यार से नहीं लगवाती। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, कैसे हो आप सब, उम्मीद करती हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। तो फ्रेंड्स अभी फिलहाल शाम के बस गए हैं 6:00 बज चुके हैं और हम हो चुके हैं रेडी शेडी और अभी हम जाएंगे माता रानी के दरबार पे। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से मैं अपनी चुनी वगैरह ले लेती हूँ और मेरे ना बर्तन थोड़े से रह गए थे सिंक में, फिर मैंने उनको स्किप कर दिया था क्योंकि मैं नीचे जाके बैठ गई थी थोड़ी से देर बच्चों के साथ, तो इस वजह से मेरे ना आज बर्तन रह गए थे। क्या हुआ, गर्मी लग रही है? गर्मी लग रही है? ओ गर्मी लग रही है। और यहाँ पे ना लड्डू जिद कर रहा था कि मेरे को ना सैंडल पहन के ही जाना और हम मना कर रहे थे, इस वजह से ना मम्मी इसको डांट लगा रही थी, हाथ धोले सैंडल ही पहन के चले, नंगे पैर ही चलना है। तो चलिए अभी फटाफट से, और ये यहाँ पे बाहर आके अपना शरारत तो बच्चे करते ही है और मम्मी ने अपना लॉक वगैरह लगा दिया था और उसके बाद हम चल दिए थे। भाग गया भैया आगे, मानो भैया भाग गया आगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना साथ में जो मेरी जेठानी दीदी है ना सुपरे वाली, तो उनके साथ ही हम गए थे, तो दीदी ही अपना ऑटो वगैरह करके लेके आई थी तो साथ में, और रोड पे आते ही हमारी ऑटो जो बाहर खड़ी थी तो हम आराम से फटाफट से बैठे और चल दिए माता रानी के दरबार पे। साथ में गई थी मम्मी थी, मैं थी और दीदी थी, गुन्नू थी और कार्तिक था, तो सभी थे साथ में। और यहाँ पे भैया हम पहुँच चुके हैं कल, बस चला 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 मानी मानो। यहाँ पे मम्मी जो अपना प्रसाद वगैरह ले रही थी और मैं आप लोगों को यहाँ का थोड़ा सा व्यू दिखा रही थी। तो फ्रेंड्स उसके बाद लड्डू बोला कि मम्मा आपने मेरी फोटो तो खींची नहीं, तो इस वजह से ना फिर मैं इसकी फोटो खींच रही थी और ये ना शर्मा रहा था, हंस रहा था। और तो चलिए फ्रेंड्स अभी चलते हैं अंदर, तो रानी माता रानी है, तो बहुत अच्छे से शांति से हमारे यहाँ पे अच्छे से दर्शन हो चुके थे, बिल्कुल पास से किए हैं। और स्थान पे माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आ गए थे ऊपर की तरफ, वहाँ से सीढ़ियों में से हम ऊपर आए थे, तो ऊपर थी शेरावाली माता रानी की फोटो, तो यहीं पे हम अपना मतलब ज्योत बत्ती अपना लगा रहे हैं। तो नीचे तो मतलब प्रसाद चढ़ाया था, ज्योत नहीं लगाने दी थी, ऊपर आके तो हमने ज्योत लगाई, अपना धूप बत्ती वगैरह लगाई अच्छे से, और जो क्या नाम है धोक जो हमारी लगती है वो लगती है बाजरे से, तो बहुत अच्छे से शांति से हमारे यहाँ पे ना ज्योत अपनी लगा ली है। Thank you.
कैमरा में देखो पहले। हेलो, आने वाले से जल्दी से। तो भाई जो मेन हमारी माता थी यहाँ पे शीतला माता थी, और आगे एक आएगी माता रानी चौगानन माता, जहाँ पे जैसे बाल वगैरह चढ़ते हैं बच्चों के। तो अभी फिलहाल यहाँ पे है गुरु गोरखनाथ जी महाराज, तो यहाँ पे प्रसाद वगैरह ज्योतपत्ती वगैरह जैसे मम्मी बता रही थी उस तरीके से ही भाई मैं अपना कर रही थी। तो यहाँ पे भी ज्योतपत्ती वगैरह धूप वगैरह अपना लगाई अच्छे से, और काफी अच्छा लगता है भाई। वैसे बाहर आ जाते हैं एक हफ्ते में जैसे घूमने के लिए मंदिर वगैरह में, या जैसे बाहर एक हफ्ते में जाते हैं ना बाहर घूमने के लिए, तो काफी अच्छा लगता है। और है ना पूरी फैमिली के साथ जाते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो भाई इतना कॉन्फिडेंस मेरे अंदर अभी नहीं है कि मैं बाहर जाके मतलब और कैमरा लेके मतलब बोल लूँ, तो सिर्फ मैं ना बाहर जाके सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, एडिटिंग में बाद में करती हूँ वॉइस ओवर मतलब। तो इतना ज्यादा अभी कॉन्फिडेंस नहीं वो होएगा, तो फिर मैं बाहर जाके कैमरे पे अपना अच्छे से बोल पाऊंगी। के बाद है ये हमारी चौगानन माता। तो यहीं पे जैसे बच्चों की जैसे झाड़े वगैरह लगते हैं, बाल वगैरह चढ़ते हैं, तो यहीं पे आके ही चढ़ते हैं। और उसके बाद जैसे साइड में ना ऊपर से जैसे रास्ता था, तो इस तरफ हम आए थे, तो यहाँ पे सरस्वती माता की फोटो थी। और इसी के साथ वही मंदिर में हमारे अच्छे से यहाँ पे दर्शन वगैरह हो चुके थे, और लास्ट में हम अभी आ रहे हैं बाहर। और यहाँ पे ना हम कर रहे थे ऑटो का वेट, ताकि हमें फटाफट से ऑटो मिल जाए और हम टाइम से घर पे पहुँच जाए। तो हम इतना घर गए थे ना मतलब 8 बजे का जैसे टाइम हो चुका था, 8 बजे हम घर पे आए थे। सो गाइस फिलहाल फाइनली अभी हम आ गए थे घर पे, और टाइमिंग हुई थी अभी 8 बजे थे। और हालांकि ऑटो में सो चुकी थी, अब घर आते इसकी नींद छूमंतर हो चुकी है। टिंडू 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 टिंडो टिंडू टिंडो टिंडू टिंडो टिंडू डांस करके तो गा रही है, डांस कर रही है। धुने रंगीले के साथ दुनिया मानो आज पर्पल कलर का भाई किसका होता है पता नहीं, रेड कलर का होता है लेकिन ये पर्पल कलर का दिया भैया मेरा, इसमें तो खून नहीं है, इसमें तो पर्पल कलर है, रेड कलर ये बिना खून का दिया मेरे अंदर खून नहीं है। तो फ्रेंड्स उसके बाद दोनों बच्चे फिलहाल अभी थे नीचे, मम्मी को मैं दे आई थी मायरा रानी को, और मैं बना रही थी यहाँ पे रात के खाने की तैयारी, डिनर की तैयारी मेरे को करनी थी, और सब्जी मैं बना रही थी आज टिंडे की। तो मतलब इस सीजन का पहली बार जो टिंडे है ना वही मैं बना रही थी, तो सिंपल से तरीके से ही बनाती हूँ। घी वगैरह डालने के बाद जीरा डाल दिया था, जीरा अच्छे से मेरा भुन गया था, तो प्याज टमाटर हरी मिर्च का मैंने छोंक लगाया। उसके बाद जो मेरे प्याज टमाटर अच्छे से भुन गए थे, उसके बाद मैंने टिंडे है जो इसमें डाल दिए थे, और इसको 15-20 मिनट गैस पे रख दूंगी लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से बन जाए। तो इस तरीके से ही सिंपल से तरीके से ही मतलब मैं अपनी सब्जी वगैरह बनाती हूँ। तो साथ साथ में भाई मैं यहाँ पे आटा वगैरह अपना छान रही थी। तो चलिए अभी फटाफट से अपनी जो रोटियाँ वगैरह यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। फिलहाल 9 बजे की टाइमिंग हो चुकी थी, तो मैं फटाफट से लगी हुई थी क्योंकि बच्चे को भी सोने का जैसे टाइम हो चुका था, वरना फिर बाद में बच्चे चिड़चिड़े हो जाते। और आज तो ना इनके पापा जी भी जैसे थोड़े से ना जल्दी आ गए थे, 9 बजे ही आ गए थे, वरना तो 9:30 बजे तक आते हैं। तो थोड़ा सा मैं हड़बड़ी में कर रही थी, और उसके बाद पता नहीं एकदम से क्या हो गया था, जैसे घर पे आई टांगों में इतनी जोर से भड़क हो गई थी, मतलब बिल्कुल भी पैरों से ना खड़ा नहीं हो ही जा रहा था मतलब। और उसके बाद थोड़ा बहुत ही मैंने शूट किया था सारा प्रॉपर तरीके से, मैंने उसके बाद है ना शूट नहीं किया था, बस मेरे को तो ये हुआ था बस फटाफट से अपने बर्तन क्लीन करूँ और बस सो जाऊँ, मतलब इतनी ज़्यादा एकदम से ना थकान हो गई थी।
और भाई उसके बाद है मैं आराम से घोड़े बेच के अपना सो गई थी, लेकिन किस्मत तो थोड़ी सी होते है ना, भी साथ नहीं देती। पता है क्या हुआ कि रात को ना 11 बजे ऐसी लाइट गई, उसके बाद ना नेक्स्ट डे तक बिल्कुल भी मतलब आई नहीं, और इतनी ज्यादा गर्मी लग रही थी रूम में, बस पूछो मत। और मेरी मायरा रानी हो तो बार बार ना मतलब उठ ही रही थी, बार बार उसकी उसको नींद आ रही थी, लेकिन ना गर्मी की वजह से वो सो नहीं पा रही थी। लेकिन ना लास्ट में मैंने तो उसके कपड़े भी वैसे निकाल दिए ताकि ना आराम से सो जाए, इसको गर्मी ना लगे। तो मतलब बहुत ज्यादा परेशानी हुई, दिन में वैसे थक गए थे मतलब घूम करके और काम इतना सारा हो जाता, और रात को भी मतलब आज तो सोए नहीं है। तो चलिए भाई आ मिल रही हूँ मैं आप सब लोगों से नेक्स्ट डे मॉर्निंग 5:30 बजे का जैसे टाइम था, और मैं आ गई थी छत पे, तो थोड़ी सी देर में इधर उधर टहल ली, बस 6:45 बजे जैसे अपना लग गई थी, अपना झाड़ू वगैरह लगाई। और आज था ना वीरवार था, तो आज जैसे वीरवार को ना मैं अपना पोछा वगैरह थोड़ा स्किप कर देती हूँ, मैं लगाती नहीं हूँ। सो ही एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बढ़िया हो गए, स्वस्थ हो गए, मजे में हो गए। तो फ्रेंड्स अभी इस वक्त जैसे 7 बजे का टाइम हो चुका है, और अभी फिलहाल आज वीरवार का दिन है, नेक्स्ट डे मॉर्निंग हो चुकी है और 7 बज गई है, और आज मैंने पोछा वगैरह नहीं लगाया, सिर्फ मैंने झाड़ू ही लगाई थी, तो इस वजह से ना मेरा काम थोड़ा सा जल्दी हो गया है, आधा घंटे। तो अभी फिलहाल 7 बजे है और मैं अभी फ्री हो चुकी हूँ अपना पूजा पाठ करके नहा धो के, तो अभी एग्जैक्ट मैं फ्री हो चुकी थी और अभी मैं आई थी छत पे। तो चलिए अभी चलते हैं फटाफट से नीचे और बना लेते हैं एक कड़क सी चाय अपने लिए। और आप है ना यहाँ देख सकते हैं मैं लाइट दिखा रही थी आप लोगों को, बिल्कुल भी मतलब लाइट नहीं है और गर्मी से ना बहुत बुरा हाल है। और मायरा को आप देख सकते हैं ये ना मतलब ऐसे ही सोई थी पूरी रात, जब जाके इसको मतलब नींद आई, अभी फिलहाल ये सोई रही है। रात को तो इसने काफी ज्यादा परेशान किया, और रात को आते वक्त जो हस्बैंड जी लेके आए थे टमाटर, जो कि मैंने ना ऐसे ही रख दिए थे इनको धुल करके, तो फटाफट से इनको सबसे पहले तो मैं फ्रिज में रख देती हूँ। तो सारे टमाटरों को वही मैंने फ्रिज में रख दिया था, और उसके बाद मैं चेक कर रही थी भी फ्रिज में कैसे क्या है, क्योंकि रात को ना मैंने इसमें नजर नहीं डाली, क्योंकि मैंने बोला ना भी मैं रात को ना सो गई थी, बस ये तभी मैं फटाफट से सो जाऊं, तो बिल्कुल भी मैंने चेक नहीं किया क्या रखा है क्या नहीं। और अभी है ना ये राबड़ी जिसे बोलते हैं वो रखी थी, तो अभी किसी को पीनी नहीं थी, तो इसको मैंने वापस रख दिया। और मैंने निकाल लिया लस्सी को, क्योंकि मेरे को बनानी थी आज कढ़ी सुबह सुबह, तो लस्सी को मैंने निकाल के रख दिया है ताकि ये मतलब ठीक हो जाए। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी थी ना, मतलब बहुत ज़्यादा खट्टी थी, सॉरी ठंडी तो नहीं थी, तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसको वैसे ही निकाल करके रख दिया है। और अभी यहाँ पे भाई फटाफट से मेरी बन गई है चाय, हल्दी वाली मैंने आज चाय बनाई है, और मैं आप लोगों को ना हल्दी दिखा रही थी, तो ये वाली मैंने ना हल्दी डाली है चाय के अंदर, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी चाय बनी थी। और अभी यहाँ पे भैया गैस से मैंने रख दिया था दूध वगैरह बनने के लिए, और लड्डू को आज जाना था ना, तो आज जैसे येलो डे था उसको येलो ड्रेस पहननी थी और येलो ही कुछ खाने का लेके जाना था, तो उसके लिए ही मैं अलग से ना थोड़ा सा मैं फटाफट से मतलब बना रही थी मैगी, तो मैंने रख दिया था एक फ्राई पैन में मैगी को ताकि ये फटाफट से बन जाए। और साथ साथ में यहाँ पे ना मैं बेसन का जो जैसे घोल बनाते हैं ना वही बना रही थी कढ़ी बनाने के लिए। और उसके बाद ना मेरा दूध भी जैसे अच्छे से बॉयल हो चुका था, तो मैंने मैगी है जो उसको छोटे वाली गैस पे रख दिया था, और जो कढ़ी है उसको बड़ी गैस पे रख दिया था ताकि फटाफट से बन जाए, क्योंकि सुबह सुबह भाई सबको जाना होता है ऑफिस में स्कूल में, तो थोड़ा सा जल्द मतलब जल्दी जल्दी ही हमारे मतलब हाथ पैर चलते हैं, तो थोड़ा सा जल्दी हो जाता भी हमारा थोड़ा सा काम जल्दी हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा जल्दी रेस्ट कर लेंगे, तो यही रहता है। तो फिर भी ना अपनी तरफ से लेट नहीं होना चाहिए, तो जैसे फ्री होती हूँ ना तो कर देती हूँ, वरना तो मैं जैसे चाय पी के ना 10 मिनट आराम से बैठती हूँ बच्चों के साथ खेलती हूँ, लेकिन ना कभी कभार ये ना मेरा काम बढ़ा देती है, फ्रेशअप करवाती हूँ, तो इनको आज जैसे ये मतलब खेल ही रहे थे तो मैं फटाफट से ना लगी हुई थी, तो भाई यहाँ पे साथ साथ में भाई मैंने अपना आटा वगैरह लगा लिया, और जो ये मैगी है ना ये बनकर तैयार हो चुकी थी, तो मैंने ना इसको थोड़ी देर के लिए ना टिफिन मतलब प्लेट में डाल के रख दिया था ताकि ये ठंडी हो जाए, क्योंकि मैंने ना इसको प्लास्टिक के डब्बे में डाला था, तो गरम गरम मैं प्लास्टिक के डब्बे में भी इस वजह से मैंने ठंडी करके ही डाली थी। और लेकिन है ना बाद में इसके पापा जी बोले भाई प्लास्टिक के डब्बे में क्यों डाले, इसको स्टील के डब्बे में डाल, तो फिर बाद में ना फिर से मैंने इसको स्टील के डब्बे में डाल के मतलब लड्डू को दिया था। और यहाँ पे हो चुका है ये रेडी शेडी, और अब इसके पापा जी गए हैं इसको छोड़ने के लिए, और थोड़ी सी मैगी ना मैंने रख ली थी, मैंने सोचा चलो भाई मायरा रानी को ना खिला दूंगी, लेकिन ये मेरी बेटी है इतनी शैतान शरारती नटखट है जो कि बिल्कुल नहीं खाई इसने, तो ये खाने के मामले में ना बिल्कुल अपनी मम्मी की तरह है, बिल्कुल नहीं खाती कुछ भी, मैं भी ऐसी मतलब खाने के मामले में तो जब मन करता है तो भर पेट करके मतलब बहुत सारी चीज़ें खा जाती हूँ, लेकिन जब मतलब नहीं खानी तो नहीं खानी, ऐसा ही होता है। तो मायरा रानी को भी मैंने एक्टिंग कर रही थी बेटा खा लेगी, तो कुछ ना कुछ इसके आगे करती रहती हूँ ताकि ये खा ले, लेकिन ये है ना टस से मस नहीं होती, तो बहुत मुश्किल से 1-2 बाइट ही इसने खाई, लेकिन खाई नहीं, बाद में फिर मैंने ही खाई थी मैगी जो बची हुई थी, वरना फिर इसको गिराना पड़ता।
तो चलिए अभी यहाँ पे मायरा रानी तो मतलब खाई नहीं थी मैगी, थोड़ी बहुत एक दो बाइट ही ली थी, तो उसके बाद मैं आ गई थी भी अपना किचन में, अपनी रोटियां वगैरह सेकी फटाफट से, और कढ़ी भी मतलब कढ़ी के लिए छोक वगैरह भी मैंने तैयार कर लिया था, लेकिन कढ़ी के अंदर डाला नहीं था, लेकिन ये ना बहुत जोर जोर से जैसे रोने लगी थी, तो फिर मैंने ना अपने हस्बैंड जी को बोला कि आप है ना छोक मतलब कढ़ी में मिला दो, कढ़ी बनकर तैयार हो चुकी है, तो पकौड़े वगैरह नहीं डालती मैं, सिंपल जैसे सादी कढ़ी हमारे यहाँ पे खाते हैं। और मायरा रानी के साथ मैं चल रही थी मस्ती, और यहाँ पे भाई यहाँ पे जो हमारी थाली है वो बनकर तैयार हो चुकी थी, कड़ी थी, थोड़ी सी सब्जी थी आलू मंगोड़ी की मेरे पास, प्याज टमाटर रोटी, और जो राबड़ी मैंने बताई थी ना, राबड़ी रखी थी, जिनके पापा जी को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद है राबड़ी, तो इस तरीके से हमारी कुछ थाली बनकर तैयार हो चुकी है। तो चलिए फटाफट से अपना कर लेते हैं पेट पूजा, फिर देखेंगे काम दूसरा। मानो आज तो ना काफी ज्यादा जल्दी मतलब फ्री हो गई थी, आप देख सकते हो 9:30 बजे और मैं फ्री हो गई थी, मेरे बर्तन जो सिंक मतलब सिंक जो मेरी बर्तनों से बिल्कुल फुल थी, क्योंकि लाइट नहीं थी तो पानी मैंने इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि फिर वो चाहिए था बाथरूम में, तो इस वजह से मेरे को लगा कहीं टंकी खाली ना हो जाए, तो उसके साथ फिर मैं 1 घंटे के करीब मैं मायरा रानी के साथ गली में जैसे खेली, और मम्मी गई हुई थी मतलब बाहर गई हुई थी, 9 बजे के करीब गई थी, 11 बजे तक आई थी, तो उसके बाद मम्मी बैठी अभी बाहर और मायरा रानी अपना खेल रही है, और मैं बैठ गई थी अंदर, क्योंकि एक फैन ही चला रखा था, कहीं इन्वर्टर ना बोल जाए, तो सबके ना आज तो इन्वर्टर बोल चुके थे, तो सभी है ना बाहर बैठे हुए थे, तो और उसके बाद ना भाई 10 बजे तक वही मैं अपना खाना वाना खा के फ्री हो गई थी, और उसके बाद मैं आ गई थी नीचे, और 11 बजे तक यहाँ पे आंटी और जी के साथ मैं बैठ के बातें बातें की मायरा रानी को खिला रही थी, और मम्मी आ गई थी फिर बाहर से, बाहर गई थी मम्मी, और उसके बाद मम्मी बैठ गई थी थोड़ी देर, मायरा खेली 15-20 मिनट ही खेली हूँ मम्मी के आने के बाद, फिर ये ना रोने लग गई थी, तो इसको सोना था, तो फिर ये अंदर आके ना मेरे पास आके सो गई थी, बच्चों का होता है ना, जब बच्चों को सोना होता है तो बच्चे ना रोने लग जाते हैं, तो चलिए अभी फिलहाल बजे थे भाई 11:15 बजे का ही करीब जैसे टाइम था, और इसके साथ मैं अपने व्लॉग को भी यहीं पे एंड कर देती हूँ, आई होप कि आप सभी को पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।